Latest visuals now coming in of Priyanka Gandhi as she's left from her residence. She's on her way to Parliament to take oath. These are the breaking visuals coming in from Priyanka Gandhi's residence in the national capital. She has just left from her residence. She's on her way to take oath as an MP today. She, of course, will be taking oath as the MP for Wayanad after her win in the by-elections. These are the latest visuals coming in. I think these are visuals coming in, of course, of Priyanka Gandhi. She has just left from her residence to take oath. And Priyanka Gandhi, of course, has departed from her residence. She will be taking oath as Member of Parliament today. Kanika Katiyar is joining us for more on this story. Kanika, Priyanka Gandhi has just left from her residence. देखिए बिल्कुल साफ तौर पे प्रियंका जो है वो अपने घर से निकल गई है और अगर देखा जाए तो उनको फॉलो कर रहे हैं। उसके अलावा प्रियंका जो है वो जनपद जाएंगी, वहां पर वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलेंगी। उसके बाद कहा जा रहा है कि परिवार के जो तीनों मेंबर्स है वो एक साथ जो है संसद के भीतर पहुंचेंगे और उसके बाद 11 बजे जो है प्रियंका बतौर सांसद जो है वो वहां पे ओथ लेती हुई नजर आएंगी। और इस दौरान जो है पूरा परिवार, चाहे वो प्रियंका का परिवार गांधी परिवार हो या वाड्रा परिवार हो, वो वहां पे मौजूद रहेगा। और हमने देखा किस तरह से जब प्रियंका निकल रही थी तमाम कार्यकर्ताओं ने फूल बरसा के कहीं ना कहीं उनका स्वागत किया और तमाम जो कार्यकर्ता है नेता है वो बहुत खुश है कि प्रियंका बतौर सांसद जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे वहां पे रहेंगी, आज ओथ लेंगी। और कहीं ना कहीं पूरे कार्यकर्ताओं को और नेताओं को इंतजार इस बात का है कि जब प्रियंका ओथ ले लेंगी, जब पहली स्पीच वो पार्लियामेंट में बोलेंगी अपनी रखेंगी, तो वो किन मुद्दों को जो है उठाएंगी। क्योंकि प्रियंका की जिस तरह की अप्रोच रही है, चाहे वो सरकार से सवाल करने की बात हो या कार्यकर्ताओं के बीच में रहने की बात हो, प्रियंका लगातार जो है अपनी लोकप्रियता में जो है आगे रही है। और कार्यकर्ता और नेता इसीलिए प्रियंका को पसंद करते हैं क्योंकि प्रियंका गांधी में उन्हें इंदिरा गांधी की झलक जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन हम जनपद पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है कि तीनों फैमिली मेंबर्स जो है वो एक साथ यहां से गुजरेंगे और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं आज प्रियंका ओथ लेंगी, तो उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। मगर अब बड़ा सवाल यह है कनिका, बड़ा सवाल यह है कनिका कि प्रियंका गांधी का इम्पैक्ट क्या रहेगा, कांग्रेस की रणनीति पे आगे प्रियंका गांधी का इम्पैक्ट क्या रहेगा, सदन के भीतर प्रियंका का क्या रोल रहेगा अब? देखिए बिल्कुल बड़ा सवाल यही है कि प्रियंका किस तरह से अब जो है सक्रिय राजनीति में आने के बाद किन मुद्दों को उठाएंगी। अब तक तो हमने देखा है कि प्रियंका गांधी तमाम चुनावी मंचों पे खड़े होकर सरकार से सवाल करती आई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करती आई हैं, लेकिन सदन के भीतर प्रियंका किस तरह के मुद्दों को उठाएंगी, कैसे काम करेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और किन बातों का, क्योंकि हमने देखा कि प्रियंका चाहे वो उत्तर प्रदेश में प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी हो या हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तैयारी को लेकर जिम्मेदारी हो, तमाम जिम्मेदारी जो है प्रियंका गांधी ने निभाई है। चाहे वो अपनी मां के चुनावी कैंपेन को संभालना हो या अपने भाई को हमेशा समर्थन करना हो, इन तमाम पहलुओं पे हमने प्रियंका को काम करते देखा है। लेकिन वायनाड से लोकसभा की सांसद के तौर पे प्रियंका कैसे मुद्दों को उठाएंगी, क्या उनके मुद्दे रहेंगे, क्या उनकी पॉलिटिक्स की अलग राह रहेगी, वो देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि राहुल गांधी तो ऑलरेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद के तौर पर वहां पे है और गांधी परिवार के तीनों सदस्य जो है वो संसद के भीतर नजर आएंगे। तो बिल्कुल दिलचस्प बात यही है कि प्रियंका की अप्रोच जो है वो किस तरह से आगे रहेगी और प्रियंका गांधी जो अब तक सदन के बाहर रहकर मुद्दों को उठाती आई हैं, सदन के भीतर वो किन मुद्दों का उल्लेख करेंगी और कैसे सरकार से सवाल करेंगी। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स YouTube चैनल, हिट द बेल आइकन।